तुर्की की राजधानी अंकारा में बुधवार को एक भीषण आतंकी हमला हुआ। अंकारा में एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बाहर कुछ आतंकी कार से उतरे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। इस हमले में 5 लोगों की मौत और करीब 22 लोग जख्मी हो गए हैं। इन आतंकियों में एक महिला आतंकी भी शामिल थी, उसने भी अंधाधुंध गोलियां बरसाई। लेकिन तुर्की ने इस हमले का वाजिब जवाब दिया है। बुधवार को आतंकी हमले के बाद तुर्की ने बिना किसी देरी किए कुछ ही घंटों में आतंकी हमले का ऐसा माकूल जवाब दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी जल्दी तुर्की ने एक्शन लिया कि आतंकियों को संभवतः संभलने का वक्त भी नहीं मिला था। ऐसा लगा मानो तुर्की की सेना न जाने कब से किसी एक्शन के लिए छटपटा रही थी। वे तैयार थे और जैसे ही दहशतगर्दों ने खुल्लम खुल्ला तुर्की को दहलाया, वैसे ही सेना एक्शन में आई और आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। देश के पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक में तुर्की ने जोरदार आसमानी हमला किया जिसमें तुर्की ने 30 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने भी एयर स्ट्राइक की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने करीब 30 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस एयर स्ट्राइक से पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा था कि इस आतंकी हमले के दोषियों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के कुछ ही समय के बाद तुर्की की वायुसेना ने इराक और सीरिया में बम बरसा दिए। हालांकि इस आतंकी हमले की खुले तौर पर किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन तुर्की को शक था कि यह हमला संभवतः कुर्द आतंकी समूह पीकेके ने किया होगा। सो तुर्की ने बिना देरी किए कुर्द आतंकी समूह के आतंकी ठिकानों पर जमकर बमबारी की। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 3 हमलावर एक टैक्सी से तुसास एरोस्पेस कंपनी कैंपस के गेट पर पहुंचे। उन्होंने हमले की शुरुआत एक ब्लास्ट के जरिए की, टैक्सी के पास एक विस्फोटक लगाया। जैसे ही विस्फोटक फटा वैसे ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और तब आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह हमला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एरोस्पेस कंपनी में कई बार विदेशी मेहमान और विदेशी नेता भी आते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील इलाके में सेंध लगी और नतीजा ये हुआ कि 5 लोगों की मौत और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले हफ्ते ही यहाँ यूक्रेन के शीर्ष राजनयिक भी पहुंचे थे। तुसास नाम की इस कंपनी की तुर्की के रक्षा विभाग में बड़ी प्रतिष्ठा है और इसके कई कारण भी हैं। तुर्की का पहला युद्धक एयरक्राफ्ट कान इसी ने तैयार किया था। इसके अलावा सरकार और देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी कर रही है। कंपनी में करीब 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि तुर्की में हुए इस हमले के पीछे कौन हो सकता है, लेकिन संदेह कुर्दिश आतंकियों पर ही है। कुर्दिश आतंकवादियों ने इस्लामिक स्टेट समूह और वाम चरमपंथियों ने अतीत में देश में हमले किए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इसी जवाबी कार्रवाई के जरिए ये मजबूत संदेश दिया है कि उनके देश पर जो भी बुरी निगाह डालेगा उसका अंजाम उससे ज्यादा भयानक होगा। तुर्की की जवाबी कार्रवाई की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब आप इस पर क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।